अजमेर सेंट्रल जेल इन दिनों नशे की गिरफ्त में है। जी हां, यहां मोबाइल के साथ बंदियों को मादक पदार्थों की पुड़िया आसानी से मुहैया करवाई जा रही है और इसी कड़ी में झुंझुनू से ट्रांसफर होकर आए बंदी की तलाशी में मादक पदार्थ की पुड़िया मिली है। वहीं मुलाकात के लिए आई एक महिला भी संतरे में मादक पदार्थ की तस्करी करती पाई गई है और दोनों ही मामले जेल के मुख्य द्वार पर तैनात राजस्थान आर्म्स फोर्स के जवानों ने मुस्तैदी से पकड़ लिए हैं। आपको बता दें कि बंदी सुमेर को झुंझुनू जेल से ट्रांसफर कर अजमेर सेंट्रल जेल लाया गया था, जहां उसकी तलाशी में 8 ग्राम अफीम बरामद की गई है। तो वहीं दूसरे बंदी रमेश से मिलने आई एक महिला ने मुख्य द्वार पर तैनात जवान को कुछ सामान दिया और जिसकी तलाशी लेने के बाद उसमें से 36 ग्राम चरस जब्त की गई है। इन दोनों मामलों के बाद जेल प्रशासन ने अजमेर के सिविल लाइन थाने में मुकदमा भी दर्ज करवा दिया है और साथ ही आरोपी महिलाओं को गिरफ्तार करके पूरी जांच पड़ताल शुरू कर दी है। जी, आज जेल पे परिजन मिलने आ रहे थे बंदियों से, तो हमें सूचना मिली कि एक महिला जिसका नाम माया पुत्री मोहनलाल है, जो पुष्कर की रहने वाली है, वो अपने धर्म का भाई बता रही है, उससे मिलने आई थी। तो संतरों के अंदर चरस छुपाकर संतरों को वापस चिपकाकर बंदी को भिजवाने के लिए प्रयास में थी, जिसको RSC ने बाहर चेकिंग के दौरान उसको पकड़ लिया। उसका मुकदमा दर्ज कर लिया गया और आगे की तफ्तीश जारी है। देश और दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें A1 TV News, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप पा सकें ताज़ा खबरों की नोटिफिकेशन।